कि ये मेरा पावर है नंबर वन, और उस बस लिमिटेड को ही समझ रहे हैं सब कुछ. तो स्वामी जी ने कॉमेंट्री में ये भी बोला है कि कोई जरूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल चीजें, इवन वर्ल्डली चीजें, मेरे को भी धन चाहिए बहुत. तो बोला भाई तुम जाओ स्कूल में पढ़ो, ये वाला करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पैसे मिलेंगे तुमको, राइट. तो वो कहाँ से आ रहे हैं? पैसे भी आ रहे हैं कहाँ से? आ रहे हैं, पावर तो उसी का है, राइट. तो लेकिन वो जानता नहीं है, वो बोला मैंने किया, मुझे मिला. स्किल भी भगवान से मिल रही है, स्किल भी, और वो फल भी भगवान से मिल रहा है. सो दोज आर लिमिटेड थिंग्स दैट पीपल गो आफ्टर. पावर किसी को चाहिए जी. सो ओके, यू स्टार्ट डूइंग पब्लिक सर्वेज, देन यू गो जॉइन, बिकम अ कांग्रेसमैन, देन यू गो फर्दर, एंड देन वन डे यू माइट बिकम अ प्रेसिडेंट. यू नो पावर कहाँ से आया? उसका ही पावर है. Right, the only misunderstanding is he think I did it, and yeah. whereas the power of his God, and he's just limited. Right, yeah. Mm-hmm. Does the ritualistic portions of the Vedas address those who are deeply attached to pleasure and power, and whose discriminatory power, the one that explains to him the real as distinguished from the unreal, is stolen away by that portion of the Veda which explains the reward gained by the performer? His vigorous criticism is reflected in the words of Krishna when he characterizes the ritualistic portion of the Vedas as the flowery words of the unwise. We have to live mentally in the orthodox atmosphere of that age to appreciate the daring with which Vyasa then had to put up this criticism so strongly. सो बेसिकली सिंह, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज कर दिया ना ये तीन में, और उन्होंने ये कहा कि दे आर डीपली अटैच टू द पावर एंड, और उनको ये रियल अनरियल का में वो लोग नहीं जा रहे हैं. यू नो विवेक बुद्धि जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, और बस ये फ्लावरी लैंग्वेज में बह के और ऐश्वर्य और भोग में पड़े रहे हैं. These karmas which promise the performer a postmortem heavenly existence with supra sensuous carnal pleasures are to be undertaken and laboriously pursued. In all these activities, man's inner personality has no time or chance to get integrated and evolved. Therefore, from the spiritual standpoint, Vyasa feels that they are methods of impotent religion. The ritualist gets involved in the means without aspiring for the real goal. So you see the danger that what is happening, because they have to be undertaken laboriously pursued, and we know ki world mein kuch chahiye to kitna jhanjhat karna padta hai. Even those people who are bodybuilders, unko wo 8-8 ghante tak sab kuch karna padta hai. But usme so you know, like one of the very good point one of the swamis made, तो लोगों को लगता है कि हाय अगर मैं स्पिरिचुअलिटी परसू करूँगा तो मुझे फिर क्या वर्ल्डली चीज़ें नहीं मिलेंगी, राइट. एक ये एक कभी कभी तो उन्होंने बोला कि अगर तुम कर्म योगा परसू करोगे और वो कर, तो तुमको वर्ल्डली चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलेंगी, तुमको चिंता ही करने की ज़रूरत नहीं है. और वो 9th चैप्टर में उन्होंने मतलब प्रॉमिस दिया अर्जुन को कि आई विल टेक केयर ऑफ योर योग एंड क्षेम, वट एवर यू नीड आई विल गेट यू, वट एवर यू गेट आई विल प्रोटेक्ट इट, वट एवर यू नीड, नॉट ग्रीड, नीड. सो हम लोग को क्या लगता है कि इफ आई डोंट डू दिस मैं शायद भूखे मर जाऊँ, ये वो किसी ने बोला जो स्वामीज है ना उनको देख लो तुम, 30 फैमिलीज आर टेकिंग केयर ऑफ देयर डिनर्स लंच, ये वो, यू नो, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन भगवान, दे आर टीचिंग देम. आई एम टॉकिंग अबाउट द यू नो रियल स्वामीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ढोंगी पीपल हु टेक एडवाइस, सो यू नो, बट दे डोंट हैव टू वरी अबाउट स्मॉल थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ. एंड आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस, इफ आई वॉन्ट टू वॉलंटियर समवेयर एंड ऑल दैट, खाना पीना ये वो सब ही मिल जाता है पीपल. इट्स लाइक सम हाउ थिंग्स कम, फैसिलिटेशन कम्स. You watch your own life. You're doing something good, other 5 people will come and help you. You know, and if you're doing something selfish and mean and all, people will bhag jayenge sab. Right? It's simple math. So
So that's what he's talking about over here. Historically viewed, Vedvyasa was the godfather of Vedanta. He introduced the Vedanta theory, Uttara Mimamsa, to the children of the Aryans who had by then children of the Aryans who had by then forgotten the wondrous culture of knowledge, jnana, and God realization, Ishwar Darshana, which the rishis had recorded for the guidance of their followers. The Brahma Sutra is the great work of son of Prasara, wherein he liquidated all the seeming contradictions in the declarations of the Upanishads and established the theory of self-realization through right understanding and full intuitive apprehension of the self. So basically he's telling you what Uttar Mimamsa is. So ekko bolte hain Purva Mimamsa aur ek Uttar Mimamsa. Purva Mimamsa mein karma kand ko jyada mahatv diya gaya hai aur wo sab mein, par inhone Purva Uttar Mimamsa is done by Ved Vyasji, who is the son of Parashar, and unhone Brahma Sutra bhi likha aur Brahma Sutra aur unhone do cheez batai na, gyan aur Ishwar Darshan. और उन्होंने सारे कॉन्ट्रडिक्शन को क्लियर कर दिया, लिक्विडेटेड ऑल कॉन्ट्रडिक्शन. एंड दैट्स व्हाट वी वर स्टडिंग इन मांडुक्य, दैट शुरू में वो कर्मकांड और कॉज एंड इफेक्ट और कर ये वो सब खूब सारा हमको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन वो अल्टीमेट गोल नहीं है. अल्टीमेट गोल इज टू राइज अबव एवरीथिंग, यू नो. सो उन्होंने क्लियर कर दिया. Thus, as an expounder of the transcendental and the infinite, Krishna is here laughing at those who mistake the portion of Vedanta dealing with realization through meditation is the end. Let me read it again. Mere mein different hai magar I think. Thus, as an expounder of transcendental and the infinite, Krishna here is laughing at those who mistake means for the end. The ritualistic portion is the means, and the portion of Vedanta dealing with realization through meditation is the end. So basically he's saying goal is the meditation and realization. Right. And your ritualistic portion hai, wo ek uska ek path hai bas. Yes. Haan, to usko unhone bola ki goal ko goal samjho, means ko means samjho, ulta mat kar do. Means ko goal mat bana do. Bas yeh kare. The karma kanda prepares the mind to single pointedness when it is pursued without specific desires, nishkam. Such a prepared mind alone is fit for steady contemplation over the declarations of the Upanishads. The passage is concluded with the declaration that such persons who are tossed about by their desires shall never discover any experience of tranquility in their inner life. So he's just saying that the danger ki agar tum usme phas gaye, वैसी वाली फ्रावली लैंग्वेज में या भोग और ऐश्वर्य में और वगैरह वगैरह, यू विल बी टॉस्ड बाय मेनी डिजायर्स एंड यू विल नेवर हैव दैट फाइनल एक्सपीरियंस बिकॉज तुम इसी माया जाल में फंस के इधर ही पड़े रहोगे. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. प्रीटी स्ट्रांग वर्ड्स रियली टू वेक अस अप. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, द रिचुअलिज्म इज मेंट फॉर फुलफिलिंग सम डिजायर, एंड इफ यू आर डूइंग one ritual after another because all you're trying to do is meet your desires, you will be stuck in that. Right, correct. But nishkam kamsika, jase ki meko bataya gaya ki jo purane zamane mein yagya karte the na, uska format kafi different hota tha. Wo ek sarvajanik yagya hota tha, jase almost like the middle of chauraha mein kiya, ha sara jo community hai na wo participate karta tha, और जो अपनी अपनी श्रद्धा और अपने अपने मींस के हिसाब से उसमें सामान लाया जाता था. तो सभी लोग, कोई साफ कर रहा है उसको, कोई कर रहा है, तो सभी का कोऑपरेशन हो गया. फिर जब उसका फल आता है ना, इट वाज फॉर रेन फॉल्स. रेन डजंट फॉल ऑन वन पर्सन, रेन फॉल्स ऑन एवरीबॉडी. सो उसका जो रिजल्ट है वो सब बांट के ले रहे हैं. दैट वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ यज्ञ. सो देन व्हाइल यू आर डूइंग दैट, तुम निष्काम कर से कर रहे हो ना, यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट फॉर योरसेल्फ. तो अपने आप सेल्फलेस सर्विस हो गई. फिर उसमें जो तुमने डिसिप्लिन तुमको करना है उससे तुम्हारा वन पॉइंटेड हो गया.
अभी देखो कोई भी हम लोग को मतलब क्या बोलते हैं, किसी कम्युनिटी में हमको काम करना होता है, 20 लोग मिलके करते हैं, मज़ा भी आता है, और हम लोग रिजल्ट उस तरह से ओरिएंटेड नहीं मिलेगा तो माय गॉड कोई बात नहीं, 20 लोग काम करें है, इट्स नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, राइट, सडनली योर मेंटल थिंग चेंजेस, सो दैट्स व्हाट निष्कांत कहा गया है, यू नो, सो व्हेन ही सेड कि यू कैन डू दोज रिचुअलिज्म बट इफ यू आर डूइंग इट इज निष्काम कर्म देन इट विल हेल्प यू, बट इफ यू आर गोना डू मेरे को क्या मिलेगा इसमें, फिनिश्ड, या किसी किसी को लगता है मैं काम करूँ मेरे 10 लोग देखें मुझे खूब प्रेज करे, फिर गड़बड़ हो गया, फिर उसका वो फल उल्टा मिलेगा तुम, that would be called karma yoga then, what, to some extent, if it's say that nishkam, again if it's nishkam karma, actually karma yoga is nishkam, that's what I'm saying, yeah. Then it's karma yoga. Exactly, yeah, so you can, you can even those ritualism you can turn it into karma yoga if you do it nishkam, yes, yeah. बट देन उसमें निष्काम में फिर वो तुम अपने लिए नहीं करे, इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया कि जो लोग पुराने जमाने में यज्ञ वगैरह करते थे वो सार्वजनिक होता था, अभी लोग अपने अपने घरों में करते हैं वगैरह, वैसे नहीं होता, उनका वो पर्पस नहीं था, ऋषि मुनि लोग अपने आश्रम में करते थे ना, तो वो उसका पर्पस खाली आश्रम को ही फायदा हो ये नहीं था, दे वर डूइंग इट पूरे राज्य को फायदा मिले, यू नो, विल डू वन वर्स ऑफ दिस. And any other point on this? I think we hashed it out, na? हमने काफी डिटेल में कर लिया सब. कोई प्रश्न नहीं है ना? But I think that to me, when we are going in this kind of detail, it is very helpful that what Krishna Bhagavan is actually saying. Because if you just read it, फटाफट उन वो चीज नहीं रहती. वो चीज नहीं रहती हम लोग. Let's do together this prarthana, Bhadram karne bhi. ये मैं आपको भेज दूंगी, है उसमें ये शायद नहीं होगी, मैं मेरे पास है, अच्छा आप भेज देना आपको, हाँ, ओम भद्रं कर्णे विश्रुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुभागं सस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वसिन इंद्रो वृत्तशपाः स्वसिन पूषा विश्ववृताः स्वसिन स्ताक्षर्यो अरिष्टनेमी स्वसिन बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 नारायणं पद्भुवं वशिष्ठं Should we do it together? Okay, let's do it. Narayanam padbhuvam vashishtam shaktim cha tat putra parasharam cha vyasam shukam gaudapadam mahantam govinda yogindra mathasya shisham shri shankaracharya mathasya padma padam cha hastamalakam cha shisham tam trotakam vartikakarya manyan अस्मत् कुरुन् संततमानतोस्मि. इसमें देखिए पराशर आया है, यस, तो वो लीनिएज बता रहे हैं ना, यस, तो पराशरम के पुत्र व्यासम और व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी थे, तो शुकदेव जी का जो मैसेज है वो गौड़पाद जी ने किया, फिर उनके दूसरे शिष्य शंकराचार्य एंड ऑल दोस गोविंद, उनके थे शिष्य गोविंद योगेंद्र एंड देन उसके बाद शंकराचार्य जी. ओके, सो वर्स 78 है, सो 77 में हमने किया था, द स्टेट ऑफ नॉलेज और द नॉन एवोल्यूशन ऑफ माइंड विच इज एवर अनबोर्न एंड विदाउट एनी रिलेशनशिप इज एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टेंट, एवरीथिंग एल्स इज देयरफॉर इक्वली अनबोर्न, फॉर द मल्टीप्लिसिटी इज बट अ मियर ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ माइंड. सो नाउ ही इज टेलिंग यू द हाइएस्ट नॉलेज, बेसिकली ही इज सेइंग कि वो सच्चित आनंद ब्रह्मन में कोई चेंज नहीं होता, और जो हमको दुनिया दिखाई देती है मल्टीप्लिसिटी इज जस्ट हमारे माइंड की वजह से हमको दिखाई देती है. जो लोग को सेल्फ रियलाइजेशन होता है उनको सिर्फ भगवान दिखता है, दैट्स व्हाट बेसिकली. तो अभी आगे देखते हैं क्या बोलते हो. बुद्ध्वा निमित्तताम सत्याम
Hetum Pruthaganapnuvan. Hetum Pruthaganapnuvan. Vita Shokam Tathakamam. Vita Shokam Tathakamam. Abhayam Padama Ashnute. Abhayam Padama Ashnute. आप पढ़ोगे फिर आपने वो ट्रांसलेशन करनी है oh, yeah, बस कर नहीं है ट्रांसलेशन बुद्धवा इज हैविंग रियलाइज अनिमित्तता इज द एब्सेंस ऑफ कॉजैलिटी कॉज एंड इफेक्ट जो है ना वो नहीं सत्यम एज द ट्रूथ हेतु एनी कॉज पृथक अपार्ट सेपरेट अनाप्नुवन नॉट फाइंडिंग वीत शोकम फ्री फ्रॉम ग्रीफ एंड अकामम डिजायरलेस Abhayam, fearless. Padam, state, the goal, self-realization. Ashnute, attains. So this is very interesting verse over here because ye pura in line with Bhagavad Gita. Arjun ko wo yehi teen char problem thi. Full of grief, desire, fear, confusion, right? And Krishna Bhagwan ne bhi exactly usko yehi bola. कि तेरा ये जो ग्रीफ है ना स्ट्रॉन्ग ग्रीफ तेरे को जो फील हो रहा है कॉज कुछ भी हो सकता है हाँ उसका कॉज वो तो हमारा कुछ और होगा लेकिन अगर हमको वो ये ग्रीफ से हम लोग सफ़र कर रहे हैं तो उसका जो रेमेडी है वो तुमको दुनिया में नहीं मिलने वाली एक बैंडेड लग सकता है दुनिया में कि भाई थोड़ा सा भूल गए उसको सम पीपल यू नो शराब पी ली गोली खा ली ये कर ले तो थोड़ा कम हो जाएगा फिर वो आ जाएगा द ओनली वे इट कैन गो अवे इज बाय सेल्फ रियलाइजेशन तभी उन्होंने उसको हाईएस्ट नॉलेज दिया था इसमें राइट रिमेंबर भगवद गीता में देन ही केम डाउन 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 एंड नाउ ही इज टेलिंग हिम अबाउट कर्म योगा बिकॉज ही शोड हिम द गोल बट एंड ही ऑल्सो टोल्ड हिम कि इफ यू अटेन दैट गोल Fear, everything will go. Remember, he said yes. Even a little practice of this yoga will yes, take you away from yes. fear. Yeah. Mm-hmm. That's exactly what they are saying. Okay. Yeah. Having thus realized the absence of causality as the self, the unlimited truth, when one finds no other reason or no other cause to manifest again, one attains to that self-liberation which is free from grief, desire, and fear. So that word is. Causality. Yes. Cause se shuru aaya hai. Yeah, causality. Because some people get confused with casual. No, it's, no, no, it's causality. Causality. Because of causality. Yes. Yeah. So far in the fourth chapter, the main arguments were in trying to disclose to us the fallacy in our superstitious faith in the law of causation. When once this idea has been realized by a seeker that the law of causation is but a trick of the mind, the spiritual achievement has been accomplished by the individual. We all know that the concept of time and place is purely a creation of the mind. The other field of activity for the mind is causation and causality cannot exist or function except in a field of time and place. So this is a little bit technical. पर हमने अपनी क्लास में काफ़ी डिस्कस किया हुआ है कि टाइम एंड प्लेस एंड कॉजालिटी ये सब मन की कॉन्सेप्ट्स हैं टाइम भी एक मन का ही कॉन्सेप्ट है तभी हम लोग डीप स्लीप में होते हैं तो हमको टाइम पता नहीं चलता है राइट हम बहुत हैप्पी होते हैं तो टाइम ऐसे फटाक से निकल जाता है एंड ऑल दैट राइट सो ही इज जस्ट सेइंग ये जो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में किया हुआ है अभी पता नहीं याद है कि नहीं कि वो तीन ऑलमोस्ट ट्राइंगल है ये टाइम प्लेस एंड कॉजालिटी तो अगर वो पूरा शैटर हो गया कि वो खाली मन की ही है और एंड एक्चुअली वो ब्रह्मन में ये सब है ही नहीं तभी तो उसको कॉजलेस कॉज बोला गया है यू नो बियॉन्ड टाइम बोला गया है वो सब कालातीत कितने सारे एडजेक्टिव दिए गए उसकी बात कर रहे हैं कि अगर वो आज जब इंसान वहाँ पहुँच गया फिर उसको दूसरे जन्म की ज़रूरत क्या है He's beyond that time. He's beyond. मैंने हम लोगों ने बोला bank account बंद हो गया उसका. Yes. उसका post office का mail नहीं आने वाली उसकी. Right. Yeah. He doesn't have a home anymore. वो lean हो गया ब्रह्म में. So. That's the state he's talking about. Thus, to understand the hollowness of the law of causality is to make the mind ineffectual. A mind thus devoid of its vocation and fields of activity is no mind at all.
and the transcendence of the mind is the entry into the greater kingdom of the pure self. This state of awareful awareness is the selfhood or the state of liberation from the monotonous and meaningless, limited and pain-ridden pilgrimage between the illusory events of birth and death. So he's just going at a very high state ki bhai us sthiti mein pahunch ke phir usko no mind at all. So I think the hum log ko ye thoda mushkil hota hai na samajhna. The only way I understand it, which makes a little more sense to me, that they use the mind just as an instrument. It's not they don't use the mind. They will discriminate, they will do everything. Wo humko, agar hum ek khel khel rahe hain, to usme humko equipment to chahiye na khelne ke liye. Right, yeah. That was a hard concept to understand. No mind. No mind is because they are using it. Hum log ka mind jo hai na, hum usi ko apna samajhte hain. No, उनका माइंड है ना बट कोई टूल है It's उसको tool. उसको तुमने यूज किया और जब काम नहीं करना है तो वो है विद नो माइंड है चालू ऑन किया ना तभी जब चाहिए तब ऑन किया हम लोग का माइंड का क्या प्रॉब्लम है 24 घंटा ऑन रहता है बट इट्स अ फ्लो ऑफ द डेफिनेशन ऑफ माइंड इज फ्लो ऑफ थॉट ओके ट्रू ओके ओके उस सेंस से देख लो अब अगर उस सेंस से देख रहे इट्स अ फ्लो सो व्हेन देयर इज There's always going to be flow, whether the thought is good or whether the thought is bad. No, that's our problem. कि हमारा flow बंद नहीं होता. हमको अगर उसको use नहीं करना है तो flow क्यों चाहिए? Well, that was my next question. It is, yeah. कि हम लोग का क्या problem है? हमारी मतलब गौरंग भाई हमेशा बोलते थे कि especially आजकल के जो लोग हैं ना overload of mind constantly, bombardment. चुप मतलब माइंड को क्वाइट रहना आता ही नहीं है व्हाई दिस पीपल आर सो मच एट पीस बिकॉज दे यूज द माइंड एज अ टूल जब जरूरत पड़ी तो यूज किया फिर उनका माइंड में कुछ थॉट्स नहीं होता है पर हम लोग पुरानी बातें सोच सोच के अपना दिमाग खराब करते रहते हैं फ्यूचर की बातें सोच सोच के दिमाग खराब करते रहते हैं यस्टरडे माई सन वॉज गोइंग अप एंड डाउन विद मॉम वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्टिंग सो आई टोल्ड हिम काम डाउन Okay, we'll see in the morning, you know. And this morning he told me, Mom, everything is okay. We are not going to war. But he probably lost his sleep last night with the bombardment. Yeah. So that's where it comes, no mind. It's not that when they have to function in the world, they will use their mind, but they use it just like a tool. But we are prosecuted by our own mind. Mind, lower... रल में बह बह के हम लोग को प्रोसिक्यूट करता रहता है डिजायर रिडन यू नो एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट इन मनशोधनम व्हाट इफ दे वर सेइंग प्योर माइंड मींस उसमें काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य नहीं है दैट्स इट बट अदरवाइज द एवरीथिंग एल्स इज गोइंग ऑन बट एक्सेप्ट विदाउट दिस जो आप कह रहे हो एंगर एंड ऑल अगर वैसा माइंड हो जाए तो इट इज लाइक अ नो माइंड इट्स लाइक अ नो माइंड दैट इट्स लाइक अ नो माइंड इट इज इन योर कंट्रोल यू कैन शट इट ऑफ व्हेन यू वांट यू कैन यूज इट व्हेन यू वांट दैट्स व्हाई दे कैन एंड देन दैट माइंड इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द हायर सो दे नो कि ये दुनिया में इट इज जस्ट रिफ्लेक्शन है ये असली तो है ही नहीं है हम लोग तो इसको असली समझते हैं ना राइट सो देयर आर सेवरल एस्पेक्ट ऑफ नो माइंड यस Because otherwise it's very confusing. What is this no mind? Yeah, I mean they've compared one or two other times and I got stuck and kept on reading but about it. But does this help? Like it does help. Yeah. But just think about it. And I think the self-unfoldment jo book hai na. Usme bhi I went back to so that. So what we will do one day. So, right now this is so interesting Bhagavad Gita and we have this. So I'm not touching that. But we can go one time. Usme bahut acche se bataya gaya. 4 different... parts That's of mind. Mind. What is both, that is if that is a total mind that you're talking but about. But it clarifies. See, when you study everything, na, so slowly it will gel in your head. What do they mean? Mm-hmm. Because otherwise, these words can kind of get confusing. हम लोग डर जाते हैं कि बिना mind के हम लोग जिएंगे कैसे? So वो mind एक pure mind को बोल रहा है. If that's true, then that's fine. Yeah, no mind equal to pure mind. Mind. That's fine then. Because that mind is a transparent thing. जब thoughts आते हैं तब mind चालू हो जाता है. But आप सोचो, हम लोग का thought कभी बंद होता है? Yeah.
हम लोग कभी कभी दो दो घंटे सो नहीं पाते और थॉट चल रहा है हमारा और ये थॉट लीड्स टू अनदर 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 माया जाल सी आपने जो एक्शन किया ना वो सभी का ये हाल है नहीं मेरा भी द रीजन वेल आई डोंट वांट टेक टाइम फ्रॉम दैट बट नहीं नहीं ठीक है गिविंग दैट एग्जांपल व्हेन I was just coming, just happened this morning and I related to that. Just so coming, there was a, my husband said, he was bhajan hai na, janaki das sahay karein, phir kaun bigaad bigaad karein. Mere ko exact malni nahi hai wahan. To uska bhav kya hai? Bhav ke jab janaki das, jab bhagwan. Bhagwan, janaki, rasanji. Haan, jab wo, Janaki Nath, it's not Nath. So, वो गा रहे थे पर पता नहीं सुना होगा सुबह कहीं you know. तो I made the comment that oh my uncle used to sing this song when I was growing up. Then he goes off to the other tangent. Oh, I never came to know your uncle. So that's exactly happens, right? Yes. And then he goes off to the other tangent. Oh, so bad that we never connected. So the bhajan to gaya. Bhajan to gaya. Bhajan gaya. That's right? A very good point. Bhajan gaya aur hum log kar rahe the bhajan shanti ke liye aur wo ashant man ho gaya aur usse connection nahi hua to problem. Right. Connection nahi hua. So happens. I couldn't connect to him. Jhagde ho jate hain. I mean, he goes off to that tangent. So I had to stop him. I said, forget that. I don't want to listen to this. And sometimes, you know, you can't even stop the other person. No. So we used to ask our teacher, ko bolte the, hum kya karein? To bole ki, kyun? You just start doing your japa in your mind. Bolne do. And I actually tried a few times and it works like a charm. The other person is thinking you are listening. Pehli baar to argue mat karo. Haan mein haan milate jao, haan mein haan milate jao. Aur phir apna hi kuch chalu kar do andar. No, wahi. So then I said, no. Then he went off on those tangents. And I said, Be mindful. Then I get the thing, you're not being a good listener. See? Bhagwan is testing you. In fact, that's what you're our teacher is saying. You're not being a good listener. Is it that you think that you got it, right? Wait until the next challenge comes. Then you will know you got it or not. Different situations come up. That's it. And you know, she used to say one thing which I experienced in my life and see if it is saying, everything is going so great for you. Huh? कि भाई यू आर डूइंग स्टडीज एंड यू नो यू माइंड को शांत कर लिया फिर एक कोई फैमिली मेंबर या कोई आके खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने ढाल बन के ढाल नहीं दीवार बन के एंड यू हैव टू फेस दैट चैलेंज दैट पर्सन विल से वर्स थिंग्स टू यू दिस दैट ये कहाँ से आ गया ये नो दिस इज अ टेस्ट कि तुमने सचमुच उसको सीखा है या नहीं सो आई सेड ओके इसे एक भी अगर इंसान से तुम्हारा अवेयर है मन में You cannot get to that stage. You know? So this is very natural thing that I've experienced. Ki, you know. And the person you may be thinking they will never trouble you, they also start troubling sometimes. You know? So they may be troubling because it's like a test of your own spiritual path. So it was my test. Householder mein to waisa hoega hi because you cannot if you're in the same car you cannot get down or you cannot tell your spouse to just be quiet or you got to listen right now I wasn't being a good listener at that time that's what he told me you know what you had to pretend to be a good listener so I'm just saying shant hona it's not that easy the mind just goes Well, I turned on the bhajans and the thing. No, we can use our own techniques. Yeah. In the end, you know, we have to get so strong that, you know, that's why these people who are like at a very highest level of spirituality, unko koi farak nahi padta. The famous Buddha story is there. Yeah. The man was spitting at him literally and shouting at him and the Buddha kept smiling. Phir wo usko raat ko neend hi nahi aayi us aadmi ko ki Buddha kaise shant raha itna? Then he came and asked him, I yelled at you for hours. Why? How come you're so shunned? So he's saying, the person who is so full with God's love, he doesn't need anything. What you may have shouted, I didn't take it in.
we lack that, no? We have. So this means I lack that. He could have gone on and on. Yeah. And I should have just. So that is our sadhana, you know? And maybe someday when he realizes, he will not say, but that's why I keep saying it's a very personal journey. Yes. We cannot try to fix the other person. We cannot do that. We have to say, hey, what can I do right now to be calm? That's all. Where am I? By describing? No. One may wonder why. Is that the one? But yeah, one may wonder why one should struggle to gain this. I'm still up there. Okay. One may wonder why one should struggle to gain this glorified goal of life. After all, what is the harm if one remains in the world of birth and death? What is the great redemption or liberation in thus discriminating our own real nature and gaining the selfhood? Addressing such skeptics, Gaudapada talks in the second line of the stanza. So he's going to tell you the benefit of it, why we should pursue this. He points out that in the conscious transcendence of the mind and intellect, one reaches the pinnacle of the spiritual liberation, wherein one shall not have thereafter the experience of grief, desire, or fear. This constitutes the triple forked spear of sorrow that we ever carry in our hearts to sop through our limited life of mortality. Every human activity in life can be directly traced to our futile attempts to run away from these three fundamental sorrows of life. Every little activity of the mind, whether constructive or destructive, is an attempt to get away from sorrows or to accomplish desires or to escape from fears. So he's telling you ki hum jitne bhi khatpat karte rehte hain pure din bhar wo ye teen cheezon ke liye karte hain, wo keh rahe hain, you know, to attempt to get away from sorrow, to accomplish desire, and to escape from fears. And then he's telling you that if you get established in that knowledge and self, to ye teeno apne aap bhag jayenge. So the Krishna Bhagwan bhi to yehi keh rahe hain is Bhagavad Gita mein ki tum log ye chote chote goal ko chhod do. सीधा ऊपर की तरफ जाओ तो अपने आप विल टेक केयर ऑफ. सी हाउ इट इज काइंड ऑफ मैचिंग नाउ हिज जो उन्होंने उपदेश दिया है और ये मैच कर रहे हैं अभी. बाय डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ लिबरेशन टू बी अ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इन व्हिच ग्रीफ डिजायर एंड फियर हैव नो एंट्री, गौड़पाद डिस्क्रीटली इंडिकेट्स अ स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम ऑल आवर फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस with our body, mind, and intellect. For so long as we identify ourselves with the body, there shall be fears. So long as we are in our mental zone, we are slave to our desires. And so long as we remain shackled by our identifications with our intellect, we cannot escape the groaning pains of grief. The dawn of knowledge lies beyond the choking states of these three illusory phantoms and their false threats. So he's calling them illusory phantoms, false threats. Or उन्होंने वो mind, body, and intellect को divide करके बताया. And you know ये yeah कि क्या क्या है. I mean ये बड़ा scientific है ये. ये तीन चीजें जो बोली ऐवे ही नहीं उठा ली उन्होंने. Right. Yeah. There's a connection of body, mind, and intellect. Or grief, jo you know, it's by wrong understanding. Grief kab hota hai ki jab koi situation aisi hai jo mere bas mein nahi hai. Aur I'm trying so ya kisi ki death ho gayi premature ya koi accident ho gaya kuch ho gaya usme grief zyada hota hai na. Because I'm trying to aisa kyun hua. But agar tum unreal or real ka samajh jaoge then you won't worry about that. But that is so, all this is in unreal, it's on the surface. Agar the real, I mean, there is nothing, I mean, real is just play, I mean, there's nothing of anything. Real is chat, real is Satchit Anand. That is, it's Anand all the time. What is happening is not, doesn't matter. It's because why? Because we are still finding reality in this realm. Right, and that's why all these are occurring. So it's a constant... churning in your mind, doing more satsang.
like how Sukumar uncle was saying yesterday, that you just have to do more of this. And one of the person who gave the example, ki tum fire ke paas baitho ke tabhi heat milegi na tumko. So constantly wo heat milti hai humko satsang mein baithne se. Heat milti hai, but you know, every time you have to think, things happen, then you go back to what you've learned, and that's where you, okay. So in India mein jo wo ek ek teen bar sandhya karo, ye karo, uska matlab yehi tha ki bhai to connect with God three times, not ki bhai diya jalao or pretend karo. That was not the idea. जो पांच बार लोग नमाज पढ़ते हैं उसका भी एग्जैक्टली वही है, उसका जो पर्पस है कि भाई तुम भगवान से जुड़े रहो, भूलो मत. कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है. यस, यू नो, इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड्स पूनम मल्होत्रा, शी इवन टोल्ड मी दैट शी वर्कड ऑन कंप्यूटर, लाइक शी डिड ऑल द चिन्मय मिशन वर्क ऑन कंप्यूटर बिकॉज हर प्रोजेक्ट्स वर, शी वाज सिटिंग ऑन इट लाइक 8 hours. शी डिड क्विट हर जॉब, शी वाज फुल टाइम चिन्मय मिशन वर्क शी वाज डूइंग. I worked a lot with her too. And she said what she did was, every hour she put something on a ding on the computer, reminded, oh, it's all Brahma, this and all. It helped her a lot. Brahma Kumaris ka hote hai, unke aate hai lectures. They say, in 1 hour, take 1 minute, put an alarm and just think, just silently sit and think. Just 1 minute, every hour that you're awake. It's time. Let's close it. Sorry. And over. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashchit Dukha Bhavale. Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Om Asto Ma Sargamaya Tamsoma Jyotirgamaya Nityoma Amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukam Vapandhanam Mrityomushi Amamritat. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Brahmarpanam Brahmahavihi Brahmagno Brahmanahutam Brahmevatena Gantavyam Brahmakarma Samadhina. आपको कर लो ना शांति मंत्र. हाँ, शांति कर है मेरे पास. अगर है प्रॉब्लम तो मैं आपको लग भी जाए. सॉरी आई डोंट हैव इट, सो यू कैन गिव हर द कॉपी. वो कर दे इसमें. एनीवे, ओम भयो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि. Om Shanti Shanti Shanti. We'll do three time Om. Om.
Shanti.